हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू इसका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। अगर जिन स्टूडेंट को संधि पहचानना नहीं आता, उन्हें कठिनाई होती है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो संधि एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे। अगर उन्हें सूत्र भी नहीं याद है, ना ही उन्हें परिभाषा याद है, आज तक उन्होंने संधि के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज उस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते वो संधि पहचानना सीख जाएंगे और हजारों उदाहरण वो कर सकेंगे। तो बात करेंगे संधि क्या होती है। तो संधि के बारे में पहले बात करेंगे। तो संधि क्या होती है? संधि होती है जब दो शब्द के मेल से एक नया शब्द बन जाता है, उसे संधि कहते हैं। तो आज संधियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं बात करेंगे। तो कुल संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली संधि कौन सा? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। तो लिख देते हैं हम, पहला संधि कौन सा है? स्वर संधि। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा क्या है हमारा? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है हमारा? विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। कुल संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। तो बात करेंगे, आज हम बात करने वाले स्वर संधि के अंतर्गत। आज हम बात क्या करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत? तो स्वर संधि में क्या होता है, जब के दो शब्दों के स्वर को मेल से एक नया शब्द बन जाता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जिसकी परिभाषा देखते हैं। आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, फिर भी हम आपको थोड़ा बताते हैं किताबों में कैसा लिखा होता है। आपसे इससे कोई मतलब नहीं, आपको ना ही परिभाषा याद करें, ना ही सूत्र। हमारी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे, अगर आपने अभी तक संधि के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके पाँच भेद होते हैं। तो स्वर के साथ जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो हमारे स्वर संधि होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे कुल पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधि हमारे कुल कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। बात करेंगे पहला संधि कौन सा होता है। हमारा पहला है दीर्घ संधि, दूसरा क्या होता है? गुण संधि। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। और तीसरा क्या होता है? वृद्धि संधि। तीसरा क्या होता है? वृद्धि संधि। और चौथा क्या होता है? यण संधि। चौथा क्या होता है? यण संधि। और पांचवा क्या होता है? आयाद संधि। हमारी कुल कितनी संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं? हमारी कुल स्वर संधि के अंतर्गत पांच संधियाँ आती हैं। स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियाँ आती हैं? हमारी पांच आती हैं। संधि कितने प्रकार के होती है? तीन प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत कितने आते हैं? पाँच प्रकार के। तो बात करेंगे आज हम स्वर संधि के अंतर्गत। आज हम ऐसे ट्रिक लाए हैं जिसके माध्यम से आप स्वर संधि को एकदम घोर के पी जाएंगे। तो बात करेंगे, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो पहले बात करेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि क्या होता है हमारा? दीर्घ संधि का इसका सूत्र क्या होता है? आकाश सवर्ण दीर्घ, मैंने पहले ही बताया, ना ही आपको सूत्र पढ़ना है, ना ही परिभाषा, फिर भी हम आपको धैर्य के लिए इसको बता रहे हैं। आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा और नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। तो इस संधि में पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का प्रथम वर्ण समान होने पर दोनों मिलाकर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो इसका बात करेंगे उदाहरण के बारे में। पहला उदाहरण है हमारी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या क्या उदाहरण है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या उदाहरण है? पहला उदाहरण है हमारा साक्षरा। तो जो हमारा दीर्घ संधि का ट्रिक है, यहाँ पर कौन सा हमारा ट्रिक है? तो बात करते हैं हम अपने ट्रिक के बारे में। जहाँ पर किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ की मात्रा दिखे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ की मात्रा दिखे, वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। तो बात करेंगे, आपको यह नहीं पहचानना आता, कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए हम सीधे उदाहरण पर बात करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ साक्षरा, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है? तो आप बात करेंगे, अगर आप संधि विच्छेद इसका करते हैं तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाता है? साधन अक्षरा है। तो यहाँ पर छोटा सा अधन अक्षरा आ जाता है। तो यहाँ पर इसका करें तो यहाँ पर सा से क्या निकल आता है हमारा? छोटा आ निकल आएगा और प्लस छोटा आ निकल आएगा। इधर से भी छोटा आ, इसमें से छोटा आ, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है हमारा? बड़ा आ। इससे कोई मतलब नहीं, बस हमारी ट्रिक को फॉलो करिए, आप हजारों उदाहरण आप कर पाएंगे। तो पहला है हमारा साक्षरा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बड़ा सा है। बड़ा सा से हमारा क्या निकल आ सकता है? अगर हम आधा सा करें, यहाँ पर इसको आधा सा कर दें, आधा सा कर दें, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा हमारा? बड़ा आ निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा दिखी आपको,
यहाँ पर क्या दिखी, बड़ा आ की मात्रा दिखी आपको, तो आपने क्या कह दिया, दीर्घ संधि। तो हमने क्या कहा था, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, दीर्घ संधि। तो यही हमारे लिए ट्रिक है, इसको आप याद कर पाएंगे, छोटा ही, बस तीन शब्दों को आपको याद करना है। पहला क्या है, बड़ा आ, दूसरा क्या है, बड़ी ई, और तीसरा क्या है, बड़ा ऊ। क्या आप इतना भी नहीं याद कर सकते हैं, इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी होगा वो भी याद कर लेगा इतना तो। यही हमारी ट्रिक है। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण है विद्यालय। तो विद्यालय में आप कैसे देखेंगे, आप बीच में जाएंगे, किसी भी संधि को पहचानने के लिए आप संधि वो शब्द के बीच में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा बड़ा धा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा धा लिखा हुआ है हमें दिख रहा है। तो बड़ा धा से अगर हम इसको अलग करेंगे, बड़ा धा से हम, बड़ा धा हमने लिख दिया यहाँ पर, अगर इसको अलग करते हैं तो यहाँ पर से क्या निकलता है, छोटा धा, और धा यहाँ पर आधा धा निकलेगा प्लस बड़ा आ निकल रहा है। यहाँ पर दबर पाय की मात्रा, यानी कि यहाँ पर बड़ा आ आपको दिख रहा है, इसलिए हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, काबिंद्र। काबिंद्र यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा है। मैंने क्या बोला था, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की जहाँ मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। आपने देखा बड़ी ई की मात्रा है, का बोल दिया सीधे, आपको ना ही कोई वो लगाना है, ना ही आपको सूत्र पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने देखा और सही कर दिया 100%। यह हमारी ट्रिक काम कर रही है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या देखा है, काबिंद्र है जैसे, तो काबिंद्र यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, अगर आप वीडियो क्लास तक देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमने वीडियो क्लास में 30 क्वेश्चनों को लाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको संधि क्लियर हो जाएगी। आप उस उदाहरण में इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए वह उदाहरण एकदम सरल हो जाएगा, सरल एकदम आसान तरीके से आप खुद ही बताने लगेंगे। तो बात करेंगे अगला उदाहरण है हमारा गिरीश। यहाँ पर क्या है, गिरीशा। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, पहले हमें संधि पहचानने के लिए शब्द के बीच में जाएंगे, वाक्य के बीच में जाना है। यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, हम क्या कह देंगे, हमारी दीर्घ संधि है। क्या आप भी, आपको कोई डाउट है, तो अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण है हमारा भानुदया। तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप बताइए, बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, हाँ जी दिख रही है, क्या कह दिए, दीर्घ संधि। हमने क्या कह दिया, दीर्घ संधि। यहाँ पर क्या है, अगला क्या है हमारा, वधूर्मी। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपने कहा दिख रही है, हमने क्या कह दिया, दीर्घ संधि। क्या आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको एकदम समझ में आ गया होगा, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। संधि पहचानने के लिए कहाँ जाएंगे आप, शब्द के बीच में जाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर, हमें पहले ही मिल गया, और यहाँ पर हमें सब में बीच बीच में, आप देख सकते हैं सभी में बीच बीच में मिला है। तो बात करेंगे अगले संधि के बारे में, तो इसके पहले बताना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बात करेंगे अगला उदाहरण है हमारे स्क्रीन पर, अगला क्या है, अगली संधि के बारे में बात करेंगे। अगला संधि है हमारा गुण संधि। तो अब बात करेंगे गुण संधि के बारे में, तो गुण संधि क्या होता है, पहले इसका सूत्र पढ़ लेते हैं, हमने पहले ही बता दिया था, आपको सूत्र उत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं। इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा है। इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा है। इसमें इसका परिभाषा क्या होती है, इस संधि में पूर्व पद के अंत में आ, बड़ा आ तथा उत्तर पद के अंत में का प्रथम वर्ण ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ली को हो, कोई हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, आर और अल हो जाता है। तो बात करेंगे इसके आगे, या इसमें हमारी कौन सी ट्रिक है, आपको कोई भी परिभाषा नहीं याद करनी, ना ही आपको सूत्र याद करना है, इसमें हमारी ट्रिक है। तो हाँ, आइए ट्रिक देखते हैं, वो कौन सी ट्रिक है हमारी इसमें। तो बात करते हैं हम अपनी ट्रिक के बारे में, दोस्तों हम बात कर रहे थे गुण संधि के बारे में, तो आज गुण संधि का क्या ट्रिक होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुण संधि का क्या ट्रिक होता है, तो आइए ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जो जिसके माध्यम से आप हजारों हजारों उदाहरण कर सकते हैं। तो बात करेंगे हमारी वो कौन सी ट्रिक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गुण संधि का उदाहरण हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नागेंद्र, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नागेंद्र।
इसमें बात करेंगे, इसमें बात करेंगे यहाँ पर हमारी कौन सी ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है यहाँ पर। तो इसमें जहाँ एक पाई की मात्रा दिखे, जहाँ एक पाई की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन संधि हो जाएगी हमारी, गुण संधि। कौन संधि हो जाएगी स्टूडेंट, वहाँ पर हमारी गुण संधि। तो बात करेंगे यहाँ पर एक पाई कैसे देखेंगे, आपने देखा नागेंद्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नागेंद्रा लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर कितने पाई दिख रहे हैं आप बताइए जरा, आपको एक ही पाई तो दिख रहा है, आपको कितने पाई दिख रहे हैं, एक ही पाई दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया, जहाँ पर एक पाई की मात्रा हो वहाँ पर कौन संधि, गुण संधि। तो आपने पहला देखा, इसमें भी है, दूसरा है हमारा उदाहरण सुरेशा, यहाँ पर भी एक पाई की मात्रा है, यहाँ पर भी एक पाई की मात्रा है, इसलिए हमारी कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि। बात करेंगे अगले के बारे में, अगला क्या है सूर्योदय, तो इसमें सूर्योदय हमें कौन सी संधि होगी, यहाँ पर कितने पाई है स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक पाई है हमारे, कितने पाई है यहाँ पर, एक पाई ही है, इसलिए हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में, अगला उदाहरण है हमारा महर्षि। तो स्टूडेंट यहाँ पर बता दें हमारा जो दीर्घ संधि है, जो हमारी ट्रिक है उसमें 100% काम कर रही है, 100% आपको हम एकदम रियल बता रहे हैं, यहाँ पर कोई अफवाह कोई वो नहीं है कि आपको 100% ये है वो है, लेकिन यहाँ पर हम आपको रियल बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी दीर्घ संधि है वहाँ पर हमारी जो है ट्रिक 100% काम कर रहे हैं, लेकिन जो गुण संधि है इसमें हमारा 99.9% ट्रिक काम कर रही है, 1% 0.1% ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही है, जो हमारा गुण संधि है, और बाकी सभी संधियों में 100% काम कर रही है। तो यहाँ पर बात कर दें जो हमारा ये 0.1% काम नहीं कर रही, तो इससे आपको कितना लॉस होगा, बस आपको 5% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बल्कि जितने हमारे बताएं जो हमारी ट्रिक है गुण संधि, इससे आप 95% क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर चार पांच उदाहरण हमने लिया, यहाँ पर एक ही ऐसा आया जो हमारे ट्रिक से बाहर है। तो अगर आपको इसको भी पहचानना है तो आपको यहाँ पर सूत्र याद करना पड़ेगा, उसके फार्मूले से यह होता है। तो बात करेंगे हमारा समय को ध्यान देते हुए हम बात करेंगे, आपको पहचानना आ गया होगा यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक पाई की मात्रा हो वहाँ पर हमारी कौन संधि हो जाएगी स्टूडेंट, जहाँ पर एक पाई की मात्रा हो हमारी गुण संधि। बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके लिए वृद्धि संधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, वृद्धि संधि को गुण संधि का बड़ा भाई कहा जाता है, वृद्धि संधि को गुण संधि का बड़ा भाई कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। अगर यहीं पर हमने डबल पाई की मात्रा कर दी, अगर यहीं पर हमने डबल पाई की मात्रा कह दी तो क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि संधि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे मैंने नागेंद्रा लिखा है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए नागेंद्रा लिखा हुआ है, नागेंद्रा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर डबल पाई कर दूँ यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। बात कर लेंगे अगले के बारे में, अगर जैसे हमारा उदाहरण है सुरेशा में अगर डबल पाई कर दें, डबल पाई की मात्रा कर दें, यहाँ पर हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया महोजना, महोजना, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, वृद्धि संधि। जहाँ पर एक पाई की मात्रा हो कौन सी संधि, गुण संधि। जहाँ पर दो पाई की मात्रा हो कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। क्या आपको इतना भी नहीं याद कर सकते हैं, इतना तो याद ही हो जाएगा, छोटे बच्चे को भी इतना याद हो जाएगा। तो बात करेंगे, हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। जो दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। बात करेंगे गुण संधि के बारे में, बात करेंगे गुण संधि के बारे में, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखती है वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में, बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में, इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो पाई की मात्रा दिखती है, जहाँ पर दो पाई की मात्रा दिखे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, आपको क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे अगली संधि के बारे में, अगली संधि हमारी कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे, अगली संधि है हमारी यण संधि, अगली संधि कौन सी है, यण संधि, इसके बारे में बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, इको
यणचि। तो इस संधि में ई बड़ी ई उ बड़ा उ री ली किसी भी वर्ण के बाद असमान वर्ण आने पर दोनों मिलाकर के मसैया वाला हो जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, फिर भी हमने पढ़ा तो बात करेंगे। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं से हम आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप हजारों लाखों उदाहरण कर सकते हैं। तो बात करेंगे जो है यहाँ संधि है, यहाँ पर क्या है हमारी ट्रिक। यहाँ पर हमारा ट्रिक है, ध्यान से सुनिए थोड़ा। यहाँ पर कटाक्षर, जहाँ पर कटाक्षर किसे कहते हैं, जैसे छोटा ता, छोटा पा और छोटा ना, ये सब कटाक्षर होते हैं। इका क्या होते हैं, छोटा, जैसे कि कोई भी कटाक्षर, कटाक्षर शब्द आप तो जानते हो कि छोटा पा हो जाएगा, आधा पा हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, आधा माँ हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आधा ना, आधा माँ, आधा सा, आधा कोई भी का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक कोई भी शब्द में आधा हो, कटाक्षर जो आधे शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कटाक्षर शब्द कहते हैं। अगर आपको कहीं भी कटाक्षर शब्द मिले, आपको कहीं भी कटाक्षर शब्द मिले, इसके बाद क्या होता है, कटाक्षर शब्द प्लस या वा रा और ला शब्द मिल जाए, वहां पर हमारी कौन संधि हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, हमारी यण संधि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वहां पर हमारी कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। वहां पर कौन संधि हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी यण संधि। आप बात को समझे नहीं, अभी फिर से क्लियर करते हैं, हम फिर से क्लियर करते हैं। क्या होगा हमारा, जहाँ पर कटाक्षर प्लस या वा रा ला, इसके बाद एक कटाक्षर हो प्लस इसके बाद या वा रा ला, इनमें से कोई आ जाए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, वहाँ पर हमारी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि। वहाँ से कौन हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। बात करेंगे उदाहरण के बारे में, यहीं से हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहीं से हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। जैसे हमारा यद्यपि है यहाँ पर, यदि धन अपि, यहाँ पर आधा धा है, यहाँ पर आधा धा है। तो बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि धन अपि मिलाकर दोनों क्या हो जाता है, यण संधि। कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। आपने अभी तक नहीं समझा, अभी नहीं समझे फिर भी कोई बात नहीं, अगला उदाहरण में हम आपको क्लियर कर देंगे। अगले उदाहरण में हमको क्लियर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इत्यादि। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इत्यादि। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपको संधि पहचाननी है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, संधि के बीच में। हमने गए संधि के बीच में, हम चले गए। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमने संधि के बीच में गया, हमने क्या बताया, आधा, कोई भी कटाक्षर शब्द आए इसके बाद या वा रा ला में से कोई भी आए, तो यहाँ पर दो हमें मिल रहा है, कटाक्षर आधा ता प्लस या मिल रहा है। इसलिए हमने क्या कह दिया, यहाँ पर कौन संधि है, हमारी यण संधि। क्या है हमारी, यण संधि। कौन संधि है स्टूडेंट, हमारी यण संधि। तो अगले उदाहरण के बारे में बात करेंगे। अगला उदाहरण है जैसे हमारा अन्वेषण, क्या लिखा हुआ है, अन्वेषण। तो संधि पहचानने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले जाएंगे बीच में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें मिल रहा है आधा ना और वा। तो हमने क्या बताया, जहाँ पर कटाक्षर प्लस या वा रा ला में से कोई भी एक आए, वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, वहाँ पर हमारी यण संधि हो जाएगी। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। जैसे यहाँ पर पितृज्ञा लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे, पितृ धन आज्ञा, यहाँ पर आधा ता है, तो यहाँ पर इसलिए इसलिए हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यण संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन संधि, यण संधि। यहाँ पर बता दे हमारा, हमारी ट्रिक 100% काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा, अगर हम कटाक्षर प्लस या आवारा ला देख करके लगा रहे हैं तो हमारी सभी उदाहरण सही हो जाएंगे। आप इसको समझ गए होंगे। तो आपने अगर अभी तक नहीं समझा तो फिर से एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं सभी को। तो शुरू से हम क्लियर कर रहे हैं, दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ की मात्रा जहाँ पर दिखे हुए, दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या हुआ था स्टूडेंट, तो वहाँ पर गुण संधि में कहा क्या हुआ था, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे वहाँ पर गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है,
वृद्ध संधि में हो जाएगा हमारा, जहां पर दो पाई की मात्रा दिखे वृद्ध संधि। बात करेंगे यण संधि के बारे में क्या होता है, जहां पर कटाक्षर कटाक्षर प्लस या वा रा और ला में से कोई भी आ जाए वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अभी हमने लास्ट में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया है तो आप उसमें एकदम लट्टू की तरह उस क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारी लास्ट संधि बची है आयाधि संधि, उसके बारे में बात करेंगे। आयाधि संधि क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आयाधि संधि के बारे में। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या होता है आयाधि संधि के पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। एचओ आय या वावा, इसमें क्या होता है इस संधि का, इसका परिभाषा क्या होती है। इस संधि में ए ओ आय आओ में से किसी भी वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो ये वर्ण क्रमशः आय आओ में बदल जाते हैं। क्या हो जाता है आय आओ आय आओ, हमसे क्या लेना देना है, यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आय आओ, इसको याद करने के लिए हम थोड़ा और आसान कर देते हैं। इसमें क्या याद करना है, सबसे पहले आपको क्या याद करना है आय, इसके बाद आय, इसके बाद आय, दूसरा आओ और इसके बाद आओ। आपको आसान हो गया होगा थोड़ा, तो यही हमारी ट्रिक है। आप इसके माध्यम से कैसे निकालेंगे, आप कैसे पहचानेंगे, तो आइए पहले चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, यहाँ सूत्र, यहाँ हमारी ट्रिक लिखी हुई है। तो पहले हम उदाहरण की ओर देखेंगे। तो उदाहरण में यहाँ आप सबसे पहले हम बता दें आपको, यहाँ पर हमारी वही है 99% हमारा काम कर रही है और यहाँ पर 0.1% हमारा काम नहीं कर रही है ट्रिक। तो इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बता दें यहाँ पर जो 0.1 है इससे हमारा 2% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी जो हमारे 99% काम कर रहे हैं इससे 98% तक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तभी आप उदाहरण देखेंगे वहाँ पर आप खुद ही क्लियर हो जाएगा कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं किसमें से। तो आइए बात करेंगे, जैसे हमारा हराय है, यहाँ पर हमारी ट्रिक नहीं काम कर रही, यहाँ पर आपको परिभाषा पे जाना होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपने नाइनम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी ट्रिक काम कर रही है। तो हमने क्या बताया था, हमारे 99.9% काम कर रही है और 0.1% काम नहीं कर रही है, जिसमें से हमने 99.9% जिसमें से काम कर रही है उसमें से 98% क्वेश्चन इस वहीं से हमारे ट्रिक से पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे नाइनम में कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पर नाइनम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नाइनम, यहाँ पर क्या सभी में तो संधि पहचानने के लिए, यहाँ पर विशेष बात है सब में संधि पहचानने के लिए हम शब्द के बीच में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शब्द के बीच में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें शब्द के शुरू में आना है, हमें शब्द के शुरू में देखना है। तो अगर हमने यहाँ पर नाइनम लिखा हुआ है, हमने बाहर लिख कर बता दें आपको, जैसे यहाँ पर नाइनम लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम ना को आधा ना कर दें, यहाँ पर आ निकाल लें, अगर शब्द के पहले सबसे शुरू में आना है यहीं पे हमको सारा खेल करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ना लिखा हुआ है, यहाँ पर आधा ना हम कर दें, यहाँ से क्या निकल आएगा हमारा आ निकल आएगा, कितना कितना छोटा आ निकल आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला आय, यहाँ पर हमारे जो हमारा वो है सूत्र है, जो हमारी ट्रिक है, वहाँ पर ये शब्द आया जी आया, कौन संधि है आयाधि संधि, हमने क्या कह दिया आयाधि संधि। अगर हम यहाँ पर आप ध्यान से देखिए नाइनम लिखा हुआ है, आप अगर इसको थोड़ा समझ जाएंगे तो बस आपको एकदम जल्दी करेंगे, क्योंकि कुछ कहें कोई इसका कोई वही नहीं है। तो आइए बात करेंगे समझते कैसे हैं, जैसे हमारा नाइनम लिखा हुआ है, इसमें से हम आधा ना निकाल दें, आधा ना निकाल दें, बचेगा क्या हमारा आयनम, आयनम। तो इसमें आयनम बचा, शुरू में क्या आया हमारा आय शब्द आया, तो इसलिए हमारी ट्रिक से मेल खा रही, हमने क्या याद किया था आय आय आओ आओ शब्द याद किया था, इसलिए हमारी कौन सी संधि हो जाएगी आयाधि संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, क्लियर कर देंगे इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे भावना लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है भावना, तो अगर आपने लिखा क्या लिखा भावना, तो मैंने लिख दिया भावना, इसमें से आधा भाव मैंने निकाल दिया,
आधा भाग निकाल दिया तो इसमें क्या बच गया स्टूडेंट, औ न, इसमें क्या बच गया औ न। तो यहाँ पर क्या शब्द आया शुरू में, औ शब्द आया। हमने ट्रिक में क्या याद किया था, आए आए औ आओ, तो यहाँ पर औ शब्द आ गए, यहाँ पर मेल खा रहा है इसलिए कौन संधि हो जाए, अयाधि संधि। अभी भी नहीं क्लियर होगा, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है नायका, यहाँ पर मैंने क्या लिखा नायका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नायका में लिखा आधा ना मैंने निकाल दिया, यहाँ पर आधा ही शब्द निकालना है और इसके बाद जो बचेगा वो हमारा आ बचेगा। मैंने आधा ना निकाला और यहाँ पर क्या बचा, बड़ा आ बचेगा, बड़ा आ बचेगा और यह बचेगा और का बचेगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हमारा शब्द आया शुरू में, क्या आया आय शब्द आया, क्या शब्द आया आय शब्द, हमारे ट्रिक में मिल रहा है आय शब्द। तो हमारी कौन संधि हो जाएगी, आयादि संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, जैसे लिखा हुआ है पाव का, तो क्या लिखा है पाव का, तो इसमें क्या है हमारा यहाँ से बड़ा पा से हम आधा पा निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा आओ का, क्या बचेगा स्टूडेंट आओ का। इसमें बात करेंगे हमारा शब्द क्या आया आओ, हमने ट्रिक में क्या याद किया था, हमने ट्रिक में क्या याद किया था, आए आए और आओ, आओ शब्द मैंने याद किया था, हमने याद किया था। तो बात करेंगे, आपको यह समझ में आ गया होगा, तो आइए चलते हम आपके उदाहरणों के बारे में। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उदाहरण तक को देखिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम आपके उदाहरण के बारे में, जो हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो बात करेंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो स्टूडेंट हमारे उदाहरण आ गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, इन्हीं उदाहरण हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है उसमें, आपको संधि समझने में कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पर पूरा क्लियर कर पाएंगे। इसके पहले हम आपको रिवीजन कर देते हैं क्या है कैसे है, आप देखना अभी आप अपने से ही कुल सारे उदाहरण आप कर पाएंगे, आप अपने से ही पहले पहले बताएंगे। तो बात करेंगे, पहला है हमारा दीर्घ संधि, पहला क्या है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बात करेंगे दीर्घ संधि में क्या होता है, वहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की जहाँ मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। बात करेंगे गुण संधि के बारे में, क्या है हमारा गुण संधि, क्या है स्टूडेंट हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। बात करेंगे अगला क्या है हमारा, अगला क्या है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है हमारी वृद्ध संधि, क्या है स्टूडेंट वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में क्या होता है, डबल पाई की मात्रा जहाँ दिखे वहाँ पर कौन संधि वृद्ध संधि। बात करेंगे यण संधि के बारे में, बात करेंगे यण संधि के बारे में, वहाँ पर क्या होता है कटाक्षर प्लस या वा रा ला शब्द आए तो हमारी कौन संधि हो जाएगी यण संधि। बात करेंगे आयाद संधि के बारे में, बात करेंगे स्टूडेंट आयाद संधि में क्या होता है, जहाँ पर आए आए आओ आओ शब्द दिखे, आओ आओ शब्द दिखे वहाँ पर कौन संधि हो जाएगी स्टूडेंट हमारा आयाद संधि। तो आप इसका रिवीजन कर चुके हैं, तो बात करेंगे उदाहरण में, अभी आप इतना अभी आपने से बताने लगेंगे। तो बात करते हैं हमारा पहला उदाहरण है स्क्रीन पर, तो पहला उदाहरण क्या कहता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा पहला उदाहरण है स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कलाविक, कलाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा कलय धन यु, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, हमने देखा क्या बताया था बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन संधि दीर्घ संधि। बड़ा ला है, यहाँ पर क्या है बड़ा ला लिखा हुआ है बीच में जाएंगे संधि पहचानने के लिए, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। आपने क्या कह दिया दीर्घ संधि, क्या पहचानना आपको आ गया, जी हाँ। तो भाई अगला बात करेंगे, अगला उदाहरण क्या है, आप इसको समझ गए होंगे, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है इसलिए कौन संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में पद्मालय, इसमें कौन सी संधि, सबसे पहले हम संधि के बीच में जाएंगे, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा पद्म धन आलय, तो इसमें क्या होगा, हमने संधि के बीच में गया, हमने क्या देखा बड़ा आ की मात्रा, हमने क्या देखा बड़ा आ की मात्रा कौन संधि दीर्घ संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है रमेश्वर, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा रमाधन ईश्वर हो जाएगा। बात करेंगे इसमें क्या इसमें कौन सी संधि है, तो हमने संधि पहचानने के शब्द के बीच में गए, हमने देखा क्या देखा
एक पाई की मात्रा हमने क्या बताया, जहां पर एक पाई की मात्रा कौन सी संधि, आपने कहा गुण संधि, बिल्कुल राइट है। क्या कौन सी संधि यहाँ पर, गुण संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण है, आप हृदय से बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, हम यह अनुभव करते हैं। तो बात करेंगे अगला क्या है उदाहरण, प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका प्रतिधन अर्पण हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो हमने क्या बताया था, जहाँ पर कटाक्षर प्लस या वर आला आए, तो हमने संधि के बीच में गया, हमने देखा कटाक्षर आया प्लस या शब्द आया, हमने क्या कह दिया, यण संधि। हमने क्या कह दिया स्टूडेंट, यण संधि। आपने भी बताया यण संधि, हमने कहा एकदम राइट। तो बात करेंगे अगला उदाहरण है, ग्रामोदय का संधि विच्छेद क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ग्राम धन उदय। तो बात करेंगे कौन सी संधि है इसमें, तो आपने बताया कि संधि सबसे बीच में जाना पड़ता है पहचानने के लिए, तो हमने गए सबसे बीच में। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पाई की हमने मात्रा दिखी, हमने कितने पाई की मात्रा दिखी, एक पाई की, हमने क्या कह दिया गुण संधि, एकदम राइट। बात करेंगे अगला उदाहरण है, हम अनुभव कर रहे हैं आपको, हमसे पहले आप उदाहरण दे सकते दे रहे होंगे, तो आइए बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, आपको एकदम सटीक तरीके समझ में आ रहा होगा, सबसे हम बेसिक से समझा रहे हैं। अगर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी वीडियो दे देंगे वो समझ जाएगा। तो बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, उत्तीर्पण, उत्तीर या पी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा संधि हो जाएगी, यहाँ पर हमारी संधि क्या हो जाएगी स्टूडेंट। आपने कहा यहाँ पर क्या कहा है, आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने बड़ी यहाँ पर कटाक्षर देखा, आपने कह दिया कि यहाँ पर यह संधि है, हमने कह दिया यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या है गलत है। आपने कहा क्यों गलत है, हमने क्या कहा था कटाक्षर आय प्लस या वा रा ला, इनमें से कोई आय तभी यण संधि होगा, तो यहाँ पर यह कोई या वा रा ला नहीं है, यहाँ पर ता है। तो बात करेंगे यहाँ पर कौन संधि, हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे दीर्घ संधि। कौन संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर क्या है बड़ा अ की मात्रा है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उत्तीर्ण धन अपि। तो बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, तो अगला उदाहरण है हमारी स्क्रीन पर, इसमें क्या कहता है स्टूडेंट, साक्षरा का संधि विच्छेद क्या है, साधन अक्षरा हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा कि बड़ा सा है, तो यहाँ पर बड़ा अ की मात्रा, आपने क्या कह दिया दीर्घ संधि, हमने कहा एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है। बात करेंगे अगला उदाहरण, तथेति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तथा धन इति। बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा यहाँ पर एक संधि, एक पाई की मात्रा है, कौन संधि हो जाएगी, जहाँ पर एक पाई की मात्रा गुण संधि है, एकदम राइट। आगे बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है, भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भव धन अनम, भव धन अनम, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। बात करेंगे इसमें कौन सी संधि है स्टूडेंट, तो आपने कहा, आपने क्या कहा यहाँ पर, ना ही आपको दीर्घ संधि देख रही है, ना ही आपको यण संधि, ना ही आपको वृद्धि, ना ही आपको गुण, यहाँ पर चार संधि है तो नहीं दिख रही है आपको, तो सिर्फ आपको क्या कर देना, आपको आयाद ही समझना है। लेकिन फिर इसके बाद हम संधि को सबके बीच में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शब्द के पहले ही जाएंगे, यहाँ पर भा लिखा हुआ है, इसमें से आधा भा निकाल देंगे, हमारा क्या बच जाएगा अवनम, हमारा क्या बच जाएगा स्टूडेंट अवनम। तो हमने क्या याद किया था, जहाँ पर आए आए आओ आओ शब्द आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी वृद्धि, वो अयाद संधि, तो हमारा क्या आ गया आओ शब्द आ गया। तो हमने याद किया था आओ शब्द, जहाँ आए 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 आओ आओ शब्द आए, जहाँ पर वहाँ पर हमारी अयाद संधि, तो यहाँ पर कौन सी संधि है अयाद संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण है स्क्रीन पर, अगला उदाहरण क्या कहता है, पाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पाव का संधि विच्छेद हो जाएगा, पाव धन अका हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, तो आपने क्या कहा, हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था स्टूडेंट, यहाँ पर पाव का लिखा है, आधा पा निकाल देंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर आओ बच जाएगा आओ का, तो हमारे शब्द के पहले क्या निकला आओ शब्द निकला, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी अयाद संधि। आपने क्या कहा अयाद संधि, एकदम राइट। आइए बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव होगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, इसमें बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा डबल पाई की मात्रा जहाँ दिखे, हमने क्या बताया था, जहाँ डबल पाई की मात्रा दिखे वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, कौन सी संधि स्टूडेंट वृद्धि संधि, हमने कहा एकदम सही है। तो बात करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा,
तो आइए बात करेंगे अगला उदाहरण क्या है। नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नेधन अनम। बात करेंगे कौन संधि है। हमने यहाँ पर देखा कोई भी संधि हमें नहीं दिख रही, फिर हमने देखा यहाँ पर नैनम लिखा हुआ, यहाँ से आधा ना हटाया, आधा ना हमने हटाया, यहाँ पर क्या बच गया? आयनम। क्या बच गया स्टूडेंट? आयनम। हमने क्या याद किया था? आय आय आओ शब्द आए, तो वहाँ पर कौन संधि? अयादि संधि। तो हमारा क्या आ गया? आय शब्द आ गया, इसलिए कौन संधि हो जाएगी? अयादि संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण है स्क्रीन पर। अगला उदाहरण क्या कहता है? सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो सूर्य धन उदय हो जाएगा। इस बात करेंगे कौन संधि है, तो यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन संधि है हमारा? आपने कहा, आपने क्या कहा? यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, यहाँ पर ये नहीं एक पाई की मात्रा है, यहाँ पर आपने क्या कह दिया? गुण संधि। आपको आपने क्या कहा? गुण संधि। हमने कहा एकदम गलत है। आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है? अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आधा रा और प्लस या, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कटाक्षर प्लस या है, इसलिए यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। कटाक्षर, कटाक्षर प्लस या शब्द आया, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। अगर यहाँ पर दो पोजीशन बनता है, यहाँ पर कितने पोजीशन बनते हैं? दो पोजीशन। अगर आपको क्या दिखे, अगर आपको यण संधि नहीं ना दिखे, अगर जो क्वेश्चन दे उसके अंदर जो बहुविकल्पी क्वेश्चनों में ये आते हैं सब, वहाँ पर आपको आंसर में यण संधि ना मिले, आपको दे दे गुण संधि, तो फिर गुण संधि हो जाएगा। और बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। अगला उदाहरण क्या है हमारे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण है नदीशा का संधि विच्छेद कीजिए। तो नदीशा का क्या होगा? नदी धन ईशा। बात करेंगे कौन संधि है? हमने क्या कहा था? जहाँ पर बड़ी ई की बड़ा ऊ और बड़ा अ की मात्रा दिखे, हमारी कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। समझ में आ रहा होगा। आइए बात करेंगे अगला उदाहरण। शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या? शिक्ष धन आलया हो जाएगा। इसमें कौन संधि हो जाएगी? हमने क्या कहा था? शब्द के बीच में जाना है और देखना क्या है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, इसलिए कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, कौन संधि? दीर्घ संधि। तो बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण आ गया है स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। बात करेंगे इसमें इसके बारे में यह क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुरेशा। सुरेशा में क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होगा सुरधन ईशा। बात करेंगे कौन संधि, जहाँ पर एक पाई की मात्रा दिखे, कौन संधि? गुण संधि। आप भना भन बता रहे होंगे। तो बात करेंगे अगला संधि के बारे में। अगला क्या है क्वेश्चन? ऊपर युक्तम में संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि क्या होगा? ऊपरी धन उत्तम। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करेंगे कौन संधि है, तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे कौन संधि है हमारी? यहाँ पर यण संधि है। आपने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर आधा रा और प्लस या शब्द आया, इसलिए हमारी कौन संधि है? यण संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। शुक्लाम्बरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शुक्ल धन अम्बरम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करेंगे कौन संधि है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी संधि है स्टूडेंट? आपने कहा आधा का है, यहाँ पर कटाक्षर प्लस यावा लामा से ला आया है, इसलिए कौन संधि हो जाएगी? यण संधि। तो हमने कहा एकदम राइट। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बात करेंगे इसके बारे में, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाता है? देव धनदेशी। हमने क्या बताया था? आपने देखा इतने ढेर सारे उदाहरण लिए, इसमें से एक ही आया। यहाँ पर हमारा कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि होती है। यहाँ पर आपको सूत्र पढ़ना होगा इसके बारे में। अगर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको इसके लिए भी कोई ऐसी ट्रिक ढूंढ कर लाएं जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकें। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला है हमारा मदनोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मदन धन उत्सव हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि है? आपने कहा एक पाई की मात्रा है, यहाँ पर गुण संधि बताया, हमने कहा एकदम लाइट है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोदया, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वधन उदय हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है? बात करेंगे यहाँ पर दो बन रहा है, पहला तो गुण बन रहा है, पहला तो गुण बन रहा है। ऑप्शन में अगर गुण और यण दोनों दे दे, अगर गुण संधि यण संधि दोनों पहले देगा नहीं, अगर दे दे तो सबसे पहले हमारा कौन संधि सही होगा? यण संधि। पहले कौन सही होगा? यण संधि, इसके बाद गुण संधि। पहले ऐसा होता नहीं कभी, यहाँ पर
अगर यहाँ पर दे दे गुण संधि क्वेश्चन में दे दे तो गुण संधि में लगा देना है, अगर यण दे दे तो यण में लगा देना है। तो बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। तो अगला उदाहरण है हमारी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट हमारा अगला उदाहरण कह रहा है गत्य अवरोधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गति धन अवरोधा हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर आधत्ता और या आया, आपने कहा कि कटाक्षर प्लस या आया, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यण संधि, हमने कहा एकदम राइट। बात करेंगे अगली संधि के बारे में, गंगोर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गंगा धन उर्मी होगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा कि यण संधि है, हमने पूछा कि क्यों है, आपने क्या कहा कि यण संधि है, हमने पूछा क्यों है, आपने कहा है कटाक्षर आया, आपने कहा कटाक्षर आया, हमने कहा कि गलत है। तो बात करेंगे यहाँ पर क्या है, आप बात करेंगे यहाँ पर क्या है, कटाक्षर तो है लेकिन यहाँ पर या वा रा ला में से कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर यण संधि नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगा, आपने देखा एक पाई की मात्रा, कौन सी संधि, गुण संधि, कौन सी संधि स्टूडेंट, गुण संधि, कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, गुण संधि। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। तो अगला उदाहरण है नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी संधि है, एक पाई की मात्रा दिख रही है इसलिए हमारी गुण संधि हो जाएगी। बात करेंगे अगला उदाहरण के बारे में। तो स्टूडेंट बात करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हमारा अगला उदाहरण है कबिंदुम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हमारा कबि धन इंदुम हो जाएगा। बात करेंगे इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपने कहा बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, हमने कहा एकदम राइट है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में, वचनालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वचन धन आलय, तो बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा बीच में कितना है, बड़ा आ की मात्रा है, क्या है, बड़ा आ की मात्रा, कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि, हमने कहा एकदम राइट है। बात करेंगे अगली संधि के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गंगोत्कम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गंग धन उत्कम हो जाएगा। तो बात करेंगे कौन सी संधि है, तो आपने कहा एक पाई की मात्रा है, किस कौन सी संधि हो जाएगी, एक पाई जहाँ हो वहाँ पर हमारी गुण संधि हो जाती है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्या कहता है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट आ गए, अगला क्वेश्चन अध्यापक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधिधन आप ही हो जाएगा, यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर बता दें हमें यण संधि हो जाएगी, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। यहाँ पर आपने देखा दो अपवाद हमें मिले हैं, हमने 30 क्वेश्चनों को लाया जिसमें से दो अपवाद मिले, हमने क्या बताया था, यण संधि में भी बताया था कि हमारा जो ट्रिक है 99.99% काम कर रहा है, 0.1% काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो 0.1% काम नहीं कर रहा है वहाँ पर कितने परसेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर सिर्फ 2% क्वेश्चन बनते हैं, कितने परसेंट बनते हैं, 2%, बाकी 98% हमारा ट्रिक काम कर रहा है, हमारे ट्रिक से 98% क्वेश्चन आप कर सकेंगे। अगर 1000 क्वेश्चन है वहाँ पर आप 2 ही 3 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आप हमारे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, बात करेंगे, आपने कहा कि आधा सा है, या क्या कह दिया, यह संधि, हमने कहा गलत है, क्यों गलत है, कहा कि आधा सा के बाद यहाँ पर या वाला कोई नहीं आया है। तो बात करेंगे दूसरा क्या है हमारा, बड़ा का है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो बात करेंगे स्टूडेंट अगला उदाहरण क्या है हमारा, कठोपनिषद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो कठधन उपनिषद हो जाएगा। तो बात करेंगे कौन सी संधि है, तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करेंगे कौन सी संधि है, आपने कहा कि यहाँ पर एक पाई की मात्रा दिख रही है इसलिए हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि, हमने कहा एकदम राइट है। तो स्टूडेंट हमने आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, आप इतने पढ़ने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमने यह अनुभव किया। अगर आपको हिंदी में कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके पहले बता दें कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हिंदी में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, जब